मृत्यु जीवन का परम सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण के इस बात से ज्ञात होता है कि जीवन और मृत्यु का चक्र सदैव चलता रहता है। मृत्यु से जीवन का नया आरंभ होता है। मनुष्य का सफर सुखद हो और उसे अगले जन्म में उत्तम शरीर मिले, इसी कामना से अंतिम संस्कार के दौरान नियमों का पालन जरूरी बताया गया है। दाह संस्कार को बहुत जरूरी बताया जाता है और इसे सही तरीके से करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि दाह संस्कार क्यों करना चाहिए। हिंदू धर्म में 16 संस्कार हैं। मृत्यु के बाद किए जाने वाले संस्कार को अंतिम संस्कार कहते हैं। इसके बाद कोई और संस्कार नहीं होते, इसी कारण इसे अंतिम संस्कार कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश रूपी पंच तत्वों से बना है। अंतिम संस्कार के बाद ये सभी 5 तत्व जहाँ से आए थे वहाँ लौट जाते हैं और मनुष्य का ये जन्म समाप्त हो जाता है। ऐसा भी माना गया है कि जिन व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति की आत्मा भटकती है और उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हिंदू धर्म में साधु को समाधि दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि साधु के द्वारा ध्यान और साधना किए जाते हैं जिससे वे शरीर में एक विशेष ऊर्जा लिए हुए होते हैं। इसलिए ऐसा करके उनकी शारीरिक ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से प्रकृति में समाहित होने दिया जाता है। हिंदू धर्म में मृत शरीर को सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करने का नियम है। आम व्यक्ति का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि यदि उसके अपने शरीर के प्रति मोह बची हो तो वह छूट जाए। इसके अलावा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी प्रकार का रोग हो तो वह नष्ट हो जाए। हिंदू धर्म में मृत शरीर को सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करने का नियम है। आम व्यक्ति का दाह संस्कार इसलिए किया जाता है ताकि यदि उसके अपने शरीर के प्रति मोह बचा हो तो वह छूट जाए। इसके अलावा यह कि दाह संस्कार करने से यदि किसी भी प्रकार का रोग हो तो वह नष्ट हो जाए। दाह संस्कार के बाद बची हुई राख और अस्थियों को किसी नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। क्योंकि सभी पंच तत्व अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं इसलिए इन सभी पंच तत्वों की विदाई की क्रिया गरिमामय, भावपूर्ण और श्रद्धा से की जानी चाहिए। पंच तत्वों की पूरी तरह विदाई होने से मनुष्य की आत्मा को देह और मन के बंधन से मुक्ति मिलती है जिसके बाद वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल पड़ता है। दाह संस्कार की पूर्ण विधि सही तरीके से नहीं करने पर मृतक की आत्मा भटकती रहती है या वह प्रेत योनि धारण कर लेती है। इसलिए उचित वैदिक तरीके से अर्थी, शव यात्रा, दाह और श्राद्ध के नियमों का पालन करना आवश्यक है। दाह के बाद मृतक की अस्थियां जमा की जाती हैं और उसे किसी पवित्र नदी में आमतौर पर गंगा में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद 13 दिनों तक श्राद्ध कर्म किया जाता है। बाद में गया में जाकर पिंडदान की प्रक्रिया पूरी करते हैं। इससे आत्मा को शांति प्राप्त होती है। सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु शाम को या रात को होती है तो उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। यदि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार किया जाता है तो इससे मृतक को बाद में नुकसान होता है और नए जन्म में उसका एक अंग क्षतिग्रस्त हो सकता है। दाह संस्कार के बाद पिंडदान क्यों जरूरी होता है? दाह संस्कार के बाद 10वें दिन में मुंडन करवाकर शांति कर्म किया जाता है। इसके बाद 12वें दिन पिंडदान करते हैं, 13वें दिन मृत्यु भोज देते हैं जिसके बाद सवा महीने का कर्म होना होता है, फिर बरसी मनाई जाती है, फिर मृतक को पिंडदान दिया जाता है। पिंडदान के लिए लोग गया जाते हैं। ये वही जगह है जहां सीता माँ ने दशरथ जी का पिंडदान दिया था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मृत मनुष्य का दिमाग 3 दिन तक सक्रिय रहता है। साथ ही हिंदू धर्म के अनुसार ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति की चेतना 3 दिन में लुप्त होकर नया जन्म ले लेती है और यदि कोई बहुत ही स्मृतिवान है तो वह 13 दिन में दूसरा जन्म ले लेता है। यदि कोई और भी ज्यादा स्मृतिवान हो तो वर्ष भर लग जाता है, लेकिन तब तक वह पितरों में शामिल हो जाता है जिसके बाद उस व्यक्ति की मुक्ति हेतु पिंडदान किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पिंडदान आवश्यक होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को भोज खिलाया जाता है जिसके पश्चात रिश्तेदारों और समाज के करीबी लोगों को सामूहिक भोज दिया जाता है। ऐसे में मृतक के परिवार में लोगों का आना जाना सामान्य रूप से शुरू हो पाता है। गरुड़ पुराण कहता है कि इस समय परिचित और रिश्तेदारों को मृतक के घर पर अनाज, फल, वस्त्र और दूसरी सामग्री लेकर जाना चाहिए। ऐसा करने से
मृतक के परिवार के साथ रहकर समय बिताने से तथा साथ में सादा भोजन पकाने खाने से उनका दुख कम होता है और वे सारे गम भुलाकर वापस से जीवन के काम में लग जाते हैं। अभी तक बताई गई बातों से पता लगता है कि दाह संस्कार बहुत जरूरी है और इसे उचित तरीके से अवश्य करना चाहिए, तभी जीव को अगले जन्म लेने में कोई कष्ट नहीं होगा। गरुड़ पुराण की ये सभी बातें हमें बहुत ही सीख देती है। ओम नमः शिवाय।